हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं कुछ बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर घर पे DIY बनाते हो तो आपको जो किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। सो जानने के लिए इस वीडियो को जो देखते रहें। और हाँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। सो फ्रेंड, मैं एक बात और बता दूँ कि आप जो इस वीडियो को जो एक भी सेकेंड स्किप ना करें, क्योंकि यह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है आपसे मिस हो सकती है। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। सो आज के इस वीडियो में पहले मैं बात करूंगा ग्लूगन के बारे में। सो फ्रेंड, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे रहेंगे ग्लूगन के बारे में, ग्लूगन हैक्स, ग्लूगन DIY। सो इस तरह की आपकी बहुत सारी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ग्लूगन जो है बहुत सी जगहों पर काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे DIY, बहुत सारे हैक जो है फेक होते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हार्ड प्लास्टिक पे जो है इस तरह की ग्लूगन को यूज़ करते हो तो वो जो है सिर्फ टेम्पररी वर्क के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए ही वर्क करेगा, और उसके बाद में यहाँ पर निकल जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दो प्लास्टिक यहाँ पर साथ में ज्वाइन करके बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने दो आइसक्रीम स्टिक्स ले ली है जो कि लकड़ी की होती है, और उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पर चिपका के बताऊँगा दोनों को भी। और फिर उसके बाद मैं इसको जो है आपको जो है मेटल पे भी यहाँ पर ट्राई करके बताऊंगा, क्योंकि ग्लूगन जो है हमारा लकड़ी और प्लास्टिक पे तो एक हद तक काम करता है, लेकिन जो हमारा मेटल होता है या फिर किसी भी तरह की एल्यूमिनियम की सीट या फिर लोहे की सीट होती है, उस पर जो है ये काम नहीं करता है। सो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे और मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक केन ले लिया है, और इस पर भी मैं यहाँ पर ठीक उसी तरह से यहाँ पर ग्लू लगा दूँगा, और उसके बाद मैं इसको जो है थोड़ा ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख दूँगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको जो है ग्लू यहाँ पे लगाने के बाद, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा कि ये जो कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ पर जैसे तो प्लास्टिक पे जो है चिपक तो गया है, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे तो ये जो है बड़े ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है हार्ड प्लास्टिक है। ठीक है फ्रेंड, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर निकल जाएगा, और इस जो है वर्क नहीं करेगा ग्लूगन। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेम आपको जो आइसक्रीम स्टिक जो होती है जो लकड़ी पर मैंने लगाया था उस पर भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है ये जो लकड़ी जो है इस पर काफ़ी अच्छी तरह से चिपक गई है, लेकिन मैं इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है यहाँ पर जो लगाना पड़ रहा है उसको निकालने के लिए। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्लास्टिक का हमारे कुछ पीसेस जो हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो है उसमें ग्लू में ही अटके हैं। फ्रेंड, ये मैं बता दूँ इस पर लकड़ी पर जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, इवन कार्डबोर्ड जो होता है उस पर भी आप इसको जो है ग्लूगन को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेटल पर मैंने यहाँ पर लगाया था इस पर थोड़ी ज़्यादा मोटी लेयर लगी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अभी सूखा नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सूखने के बाद ये तुरंत अपने आप ही आप थोड़ा सा भी इसको हाथ लगाओ के जो है अपने आप निकल जाता है। सो फ्रेंड, बस इसके इतना ही बताना था ग्लूगन के बारे में। अगर आप ग्लूगन यूज़ करते हो तो मैं बता देना चाहता था कि आज जो है ग्लूगन जो है मेटल पर वर्क नहीं करती है। सो फ्रेंड, अगला जो है अगले जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है हमारी 9 वोल्ट की बैटरी। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी रहेंगी यूट्यूब पे कि 9 वोल्ट की बैटरी से हमारी जो है इस तरह की बहुत सारी LED, बहुत सारी DIY जो है इन LED से हम बना सकते हैं और 9 वोल्ट की बैटरी से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस LED को डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी में लगा दोगे तो ये LED तुरंत जल जाएगी, यानी फ्यूज़ हो जाएगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं डायरेक्टली नहीं लगाने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर 1K का एक रेसिस्टेंस ले लूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप चाहो तो यार इस वीडियो को पॉज करके इसका कलर कोड भी यहाँ पर देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो इसके मदद से जो है मैं यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर इस LED को जला के दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको जो यहाँ पर ऑन करके दिखाऊंगा इस रेसिस्टेंट की मदद से। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है रेसिस्टेंट को इसके एक लेग पर लगा दिया है, और उसके बाद मैं इसको जो है यहाँ पर इस बैटरी में टच करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, और हमारी LED भी जो थोड़ी भी गर्म नहीं होती है, और इसको जितना पावर सप्लाई चाहिए रहता है उतने ही उसको पावर मिलती है, और ये जो है पूरे अपने फुल ब्राइटनेस पे जो है यहाँ पर वर्क कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेसिस्टेंट को हटा दूँ, सो फ्रेंड, अगर मैं डायरेक्टली जो है अगर इस पर लगाऊँ तो आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखते रहें, आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा था। अगर मैं इसको डायरेक्टली लगाता हूँ तो ये जो तुरंत हमारी LED जो है तुरंत जल जाएगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान से देखते रहें, देखें यार तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगा इसको जो है जलने में, और ये LED जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है अगर इसमें ज़्यादा टाइम तक मैं इस पर रखा तो। यहाँ पर देखेंगे अगर मैं फिर से यहाँ पे इस पर लगा रहा हूँ तो अंदर से पूरा रेड हो जाता है, यानी इसका जो है अंदर का सर्किट है वो जलने लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्क नहीं कर रहा है, पूरा जल चुका है। अभी हमारी LED जो है पूरी अच्छी तरह से जल चुकी है यार, एकदम मतलब
पूरा अभी ये वर्क नहीं करेगा, कहीं पे भी वर्क नहीं कर सकता है। और अंदर से यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लैक हो चुका है, पहले अंदर वाइट दिख रहा था, हल्का येलो दिख रहा था। और बस यही था इस वीडियो में मैं बताने जाता था कि अगर आप नॉर्मल एलईडी को जो डायरेक्टली 9 वोल्ट की बैटरी से चलाओगे तो वो तुरंत जल जाएगी। और उसके बाद हमारा जो थर्ड है, थर्ड टिप मैं बताने वाला हूँ, बेसिकली अगर आपको सोल्डरिंग नहीं आती है या फिर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, सोल्डरिंग के कुछ भी इक्विपमेंट अगर आपके पास नहीं है, सो मैं आपको बता दूं, आप जो है किसी भी नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जा सकते हो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के सामान रिपेयर होते हैं, वहाँ पे जा सकते हो। या फिर आप जो है मोबाइल के शॉप में जा सकते हो और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये जो आपको सोल्डरिंग करके दे दे। हो सकता है कि आपको ये फ्री में करके दे दे सोल्डरिंग, लेकिन अगर वो नहीं करते तो उसके लिए कुछ थोड़े से चार्जेस भी ले सकते हैं, 10 से 5 रुपये जो है इसके लिए थोड़ा सा चार्जेस लेंगे। और उसके बाद आपको जो है ये वायर को जो आपको सोल्डरिंग करके दे देंगे। सो फ्रेंड, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि यार मैं और भी ऐसे ही कंटेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहता हूँ, इस तरह की DIY से रिलेटेड चीज़ों को रिसाइकल कैसे करें, चीज़ों को रीयूज़ कैसे करें, मैं इस तरह के इन तरह के वीडियो और इस टॉपिक पे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं अपनी अगली।